हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका होस्ट, आपका दोस्त पराग आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा न्यू लैपटॉप है, तो मैंने इसको यूजुअली और वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए ये ख़रीदा है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स देखते हैं इसकी, और क्या क्या इसमें आया है, मुझे मतलब मैंने इसके क्या साथ क्या क्या दे रखा है वो भी पूरा, और स्पेसिफिकेशन सब आपको समझाता हूँ कि कैसा है क्या है। और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। तो स्टे ट्यून्ड रहिए और देखते रहिए व्लॉग मेरा। और अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कीजिए मेरा, और सपोर्ट दिखाइए अपना मेरा चैनल मोनेटाइज करने में मुझे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं आप गाइस, ये है मेरा लैपटॉप नया। तो ये है एसयूएस टीयूएफ गेमिंग लैपटॉप। मैं इसके स्पेसिफिकेशंस आपको है ना धीरे धीरे करके बताता हूँ, बताते भी जाता हूँ और स्क्रीन पे भी आएगा, तो आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए। तो ये है इंटेल कोर 15 10 300H 10th जनरेशन। ओके, इसमें आपको मिलेगा 8GB रैम, 1TB SSD, NVIDIA GeForce 4GB ग्राफिक 1650 Ti, 15.6 FHD डिस्प्ले और 144Hz डिस्प्ले मिलेगा इसमें आपको, और HHD का अपग्रेडेबल मिलेगा। विंडोज़ 10 लाइफ टाइम तो है ही सही, इसमें विंडोज़ 10 लाइफ टाइम दे रखा है, और विंडोज़ 11 भी इसमें अपग्रेड करवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी 48 वॉट की लॉन्ग लाइफ बैटरी है, जो करीब करीब 4 या 5 घंटे तो चली जाती है, जहाँ तक मैंने टेस्टिंग करी है या मैंने जहाँ तक यूज़ करा है, साढ़े चार पाँच घंटे तो कहीं नहीं गए आपके। तो यूजुअली आप इसको यूज़ कर सकते हैं 4 घंटे तक। इस कलर ये है ब्लैक कलर में, एक्चुअली इसका एक्चुअल नेम है बोन फायर ब्लैक कलर, मिलिट्री ग्रेड के साथ है ये, MIL 810 सर्टिफाइड और हनीकॉम डिज़ाइन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है पूरा इसका डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, अब मैं इसको खोल के बताता हूँ आपको कि सामने से कैसा दिखता है। तो आइए चलिए। तो ये देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो ये है इसका 144Hz का डिस्प्ले, और ये है इसका कीबोर्ड। तो ये सब पूरा इस पे दे रखा है, चेक कर सकते हैं आप। इंटेल कोर i5 है, वाईफाई 6 है, और हनीकॉम डिज़ाइन का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है मेरा लैपटॉप। तो इसके साथ मुझे क्या क्या मिला है ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसके साथ मिला है मुझे ये एडाप्टर, ये 150Hz का है, ओके, और ये एडाप्टर के साथ ये कनेक्टर, जो बेसिकली मिलता ही है सब लैपटॉप्स में। तो इनको साइड कर देता हूँ। अब इसमें चार्जिंग पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको तो मैं बंद करते हैं। तो जैसे कि
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हो गया इसका चार्जिंग पॉइंट, ये हो गया है इंटरनेट कनेक्टिंग पोर्ट, एक दे रखा है आपका HDMI पोर्ट, और ये दो SS2 वाले दे रखे हैं कनेक्टिंग के लिए, मतलब आप इससे मतलब ये फास्ट क्या बोलते हैं कनेक्टर्स हैं ये दोनों SS2 के, और ये दे रखा है अपना सी टाइप कनेक्टर भी दे रखा है एक, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये है 3.5 mm जैक ईयर प्लग के लिए, कोई सा भी आपके पास यूजुअली हो। तो ये है लेफ़्ट साइड इस लैपटॉप का। अब इसकी तरफ दूसरी तरफ चलते हैं राइट साइड में, तो इसके राइट साइड में क्या क्या दे रखा है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा इसका राइट साइड, इसके राइट साइड पे ये वाला भी एक SS, लेकिन ये SS1 का पोर्ट है। इसमें थोड़ा सा जो ट्रांसफ़रिंग है मोबाइल डाटा या जो भी आपको ट्रांसफ़र करना है इसमें थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि SS1 कॉड रीडर है, ये SS1 कनेक्टर है, और उधर जो हमने देखा था उधर SS2 था, उससे फास्ट चार्जिंग भी होता है और उससे फास्ट ट्रांसफ़र भी होता है डेटा। तो ये था इस लैपटॉप का राइट हैंड, और बाकी आप मैं इसको अच्छे से पलटाता हूँ पीछे, तो ये आप देख सकते हैं ये इसका बैक है, यहाँ लिखा हुआ है TUF गेमिंग, और इसको अब मैं खोल के बताता हूँ वापस से कि पीछे से कैसा लगता है। तो ये देखिए ये इसका बैक ऐसा लगता है कुछ इस तरह का, जो कि बहुत शानदार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और लैपटॉप कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट में। अब इसको अब स्टार्ट करके देखते हैं, चालू करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो आइए चलिए, तो आइए चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है और कैसा दिखता है। तो आइए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं चालू हो चुका है, और शायद मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर एक वेब कैम भी है ऊपर, ठीक है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। तो वीडियो एडिटिंग और अगर कुछ गेम भी खेलना हो तो आप गेम भी खेल सकता हूँ अब तो मैं इसमें। तो ये इसका कीबोर्ड है, ये कुछ ऐसा दिखता है, कलरफुल है। तो ये रहा न्यू लैपटॉप। तो गाइज़ वीडियो आपको कैसा लगा और लैपटॉप कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइएगा, और आगे कंटेंट कैसा चाहिए आपको ये भी बताइएगा मुझे, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और 1,000 मुझे मोनेटाइज करने में हेल्प करिए, सपोर्ट दिखाइए अपना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर।